हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक नया प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। यानी कुछ अमाउंट रहेगा, वो अमाउंट को आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करने का रहेगा। दोस्तों कैसा करेंगे मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके 5 मार्क्स आपके हाथ में है दोस्तों। सो पहले हम आज की इस वीडियो में हम पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के बाद हम आंसर सॉल्व करेंगे और लास्ट में मैं आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्स कंपनी लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम 6500 एट 10% रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10%। सो दोस्तों एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी अपने प्रिफरेंस शेयर रिडम्पशन करना चाहती है, यानी प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड देना चाहती है। सो 6500 शेयर्स है जिसका रिटर्न देना है 10% और एक शेयर का वैल्यू है ₹100 दोस्तों। सो प्रिफरेंस शेयर को डिविडेंड रिटर्न देना है 10%, बट कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम भी ऐड करके देना चाहती है। प्रीमियम ऐड कर रही है 10% दोस्तों। सो द कंपनी हैज जनरल रिजर्व 7 लाख एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ 40,000। इट इज डिसाइडेड, सो दोस्तों जनरल रिजर्व कंपनी के पास 7 लाख है और सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी के पास 40,000 है दोस्तों। सो दोस्तों इट इज डिसाइडेड टू इश्यू 1 लाख 9% प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार एंड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स। सो दोस्तों कंपनी के पास तो पैसा 1 रुपया भी नहीं है। सो कंपनी क्या कर रही है, नए शेयर्स इशू करने वाली है। सो नए शेयर इशू कर रही है, प्रिफरेंस शेयर्स फर्स्ट इशू कर रही है, प्रिफरेंस शेयर्स 1000 प्रिफरेंस शेयर्स इशू कर रही है दोस्तों। ₹100 का एक शेयर है और फेस वैल्यू में इशू कर रही है। और दूसरा 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है ₹10 ईच के, और यहाँ पर प्रीमियम देगी कंपनी, यानी एक्स्ट्रा डिविडेंड देगी 25% दोस्तों, क्योंकि कंपनी के पास रिडम्पशन करने के लिए पैसा नहीं है। सो दोस्तों यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। यानी आपको यहाँ पर यह कैलकुलेट करना है कि आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। और एक बात नोट कीजिए, इसमें यहाँ पर जनरल रिजर्व 7 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000 दिया गया है। ये जब आप कैलकुलेट करते हैं कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट में जो आपको पैसा ट्रांसफर करना होता है, जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो जनरल रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा। तो आपके माइंड में होगा सर नहीं आएगा तो यहाँ पर क्यों दिया गया है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है। तो अगर आपको सीधा आए जनरल रिजर्व या तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सीधा आपको इग्नोर मारना है और नेक्स्ट पॉइंट पे चलना है दोस्तों। सो चलिए डायरेक्ट हमारे आंसर की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों आंसर के तरफ आ जाइए। आंसर बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सिर्फ 2 स्टेप में आपको आंसर फिनिश करना है दोस्तों। अगर आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट, तो आपको सिर्फ एक ही स्टेप फॉलो करना है। आपको पहले कितना रिडम्पशन करना है वो आपको लिखना है, उसमें से माइनस करना है नए शेयर्स कितने इशू हुए, आपको आंसर मिल जाएगा, सीधा आपको आंसर पुट कर देना है दोस्तों। सो चलिए हमारे डायरेक्ट आंसर की तरफ आते हैं। ये हमारा हेडिंग है, उसके बाद हमारा है फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब देखिए हमें कितने शेयर्स रिडम्पशन करना है और कितने में करना है। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, 6500 शेयर्स रिडम्पशन करना है और एक शेयर का वैल्यू है ₹100। सो दोस्तों ₹100 वैल्यू है और नेक्स्ट है प्रीमियम 10% देना बोल के है। सो दोस्तों जब भी ये अकाउंट बनाते हैं हम, तो हमें वो 10% जो भी प्रीमियम है वो लेना नहीं रहता है। प्रीमियम जो है हमें वो लेना नहीं रहता है, सिर्फ फेस वैल्यू जितना आएगा वो सिर्फ फेस वैल्यू में लेना है। ये बात याद रख लीजिए दोस्तों, हमें प्रीमियम कुछ नहीं लेना है, जो पार वैल्यू रहता है या फेस वैल्यू रहता है वही लेना है दोस्तों। सो आ जाइए हमें कितना रिडम्पशन करना है। सो नॉमिनल वैल्यू बोल के लिख दीजिए, नॉमिनल यानी फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम। सो दोस्तों 6500 शेयर्स था, एक शेयर का वैल्यू ₹100 था दोस्तों। सो 6500 इंटू 100 करेंगे तो 6,50,000 हो जाएगा दोस्तों। और अमाउंट हम टोटल कॉलम में लिख देंगे दोस्तों। अब ये हो गया हमारा, तो हमें रिडम्पशन करना है प्रिफरेंस शेयर इतना। हम यहाँ पर प्रीमियम नहीं ले रहे,
प्रीमियम लेना नहीं होता है इसमें, ये बात याद रखिए दोस्तों, प्रीमियम लेना ये अकाउंट में नहीं रहता है, उसके बाद हमें लेस करना होता है, ये रूल के हिसाब से लेस करना होता है। क्या लेस करना होता है? नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू शेयर्स, सॉरी फ्रेश इश्यू शेयर्स। हम दो तरह के शेयर्स इशू कर रहे थे दोस्तों, एक तो प्रिफरेंस शेयर्स इशू कर रहे थे, दूसरा इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे थे। आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होंगे, हम इशू कर रहे हैं प्रिफरेंस शेयर 1000 शेयर्स, कितने रुपीस में? 100 रुपीस में शेयर इशू कर रहे हैं, वो लिख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट हम इशू कर रहे हैं प्रिफरेंस शेयर्स, प्रिफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं हम, 1000 शेयर्स है इंटू 100 रुपीस एक का वैल्यू है, तो इसे इक्वल टू करेंगे तो आएगा अपना 1 लाख, 1 लाख हम यहां पर लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए, और हम इक्विटी शेयर्स भी इशू कर रहे हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन, हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपीस में हम इशू कर रहे हैं। और दोस्तों यहां पर आपको प्रीमियम दिख रहा होगा 25%, यहां भी प्रीमियम लेना नहीं है, मैंने जैसे कहा सिर्फ फेस वैल्यू लेना होता है, फेस वैल्यू के अलावा डिस्काउंट भी लेना नहीं होता या तो फिर प्रीमियम भी लेना नहीं होता है। सो जो फेस वैल्यू है वो लिखते हैं। चलिए दोस्तों, सेकेंड है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे थे हम, कितने कर रहे थे? 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे थे हम, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीस था, 50,000 इंटू 10 करेंगे तो 5 लाख हमारा आंसर आएगा दोस्तों। इसको अगर हम दोनों शेयर्स का टोटल करेंगे 1 लाख प्लस 5 लाख तो 6 लाख हो जाएगा दोस्तों, 6 लाख टोटल अमाउंट हो गया, 6 लाख टोटल अमाउंट हो गया, 6 लाख 50,000 में से माइनस करना था हमें, अगर माइनस करना हो तो कितना बच गया? 6 लाख 50,000 में से 6 लाख करें तो 50,000 बच गया दोस्तों। ये 50,000 हमारा कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में हमारे ये 50,000 ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये आंसर समझने आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा दोस्तों। इसमें सिर्फ कुछ करना नहीं है, प्रिफरेंस शेयर हमने जो प्रिफरेंस शेयर रिडम्पशन करना है, रिडम्पशन करना था वो पहले हमें यहाँ लिखना होता है, उसके बाद जो भी हम नए शेयर्स इशू कर रहे हैं उसको माइनस करके जो अमाउंट आता है वो हमें CRR अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है दोस्तों। सिर्फ इतना सा प्रॉब्लम था, आई होप आपको ये समझने आ गया होगा। आपके स्क्रीन के ऊपर आपको एक प्रॉब्लम दिख रहा होगा, वो आपके प्रैक्टिस के लिए, वो आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और मैं एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिलेबस स्टार्ट किया था बीकॉम 4th सेम के लिए। सो दोस्तों नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा, जहां पर आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।